थाना नॉलेज पार्क पुलिस और एसटीएफ टीम मेरठ द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए हत्या और रंगदारी के अंतर्गत 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त नवीन उर्फ छोटा पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम भैंसवाल थाना गोहाना सदर गुजला सोनीपत हरियाणा को एक पिस्टल 32 बोर 2 खोखा कारतूस 3 जिंदा कारतूस 32 बोर और चोरी के एक पल्सर मोटरसाइकिल सहित एलजी गोल चक्कर से शारदा गोल चक्कर की तरफ आईआईएमटी कट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने वर्ष 2015 में अपने साथी के साथ मिलकर अपने गांव के राजदीप सिंह उर्फ धर्मा की रंजिशन हत्या कर दी थी। वर्ष 2019 में मुजफ्फरनगर में तिहरे हत्याकांड को अंजाम देना, 2020 में एलएनटी रिफाइनरी पानीपत हरियाणा के 3 अधिकारियों का अपहरण कर रंगदारी वसूलना, वर्ष 2020 में अपने गांव भैंसवाल में पवन हत्याकांड को अंजाम देना, वर्ष 2020 में अजय निवासी कटवाल को उसके गांव कटवाल में पीट पीट कर मरवा देना, वर्ष 2020 में कटवाल गांव में शराब ठेकेदारी को लेकर झगड़ा होने पर ठेके पर आगजनी और फायरिंग करवाना, ऐसे गंभीर अपराध कारित किए हैं, जैसे और कई गंभीर अपराध किए हैं। अभियुक्त पर थाना सदर कोहाना में 25,000 का इनाम घोषित है। नॉलेज पार्क और एसटीएफ मेरठ के ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस मुठभेड़ में नवीन और छोटा जो हरियाणा का रहने वाला है, शातिर अपराधी है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 32 बोर की पिस्टल, कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन लोगों ने नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है हत्या का। इन लोगों ने रोहित नाम के लड़के को बुलाया, बुलाने के बाद दिल्ली की डीडीए कॉलोनी सेक्टर 34 में इन लोगों ने उसको शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद वहां पर बाथ टब में, जब वो नशे में हो गया तो बाथ टब में डुबो करके उसको मार दिया और गाड़ी में ला करके एपीजे इंस्टीट्यूट के पास जो नाला है नॉलेज पार्क क्षेत्र में, वहां पे फेंक दिया। बॉडी की शिनाख्त कराई गई, अन्य बिंदुओं का परीक्षण कराया गया, कुछ सोशल मीडिया साइट्स का भी अध्ययन किया गया। इसके आधार पर अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। इसमें अन्य इनके कुछ साथी हैं, उनके लिए भी टीमें दबिश दे रही हैं। ये बहुत ही शातिर गैंग है, इन पर दर्जनों भर हत्या रंगदारी लूट के मुकदमे हैं। 25,000 का इनामिया है। हरियाणा में कई घटनाएं इन्होंने की है। मुजफ्फरनगर में 13 हत्याकांड हुआ था, उसको इन्होंने अंजाम दिया है। ये बहुत ही शातिर अपराधी है, इसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। इसके अन्य साथियों को पकड़ेंगे, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की। नोएडा से वकील अहमद की रिपोर्ट।